नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सऊदी में एक गोटे नेपाली के मृत्यु दंड देल गेल मुख्य प्रसंग। सऊदी अरब में एक गोटे नेपाली के माथ काट के मृत्यु दंड देल गेल। सऊदी नागरिक के छुरा प्रहार क के हत्या केने अभियोग में नेपाल के संत बहादुर पुन के मृत्यु दंड देल गेल। हत्या आरोप में 22 वर्ष से सऊदी अरेबिया के कुरैयात जेल में जेल जीवन बिताब रहा पर्वत मोदी गाँवपालिका 4 खुजेरिया के पुन के बृहस्पति दिन मृत्यु दंड देल गेल। रियाद स्थित नेपाली दूतावास के प्रथम सचिव तथा सूचना अधिकारी ऋषिराज आचार्य जानकारी देने सैन नेपाल आ सऊदी सरकार इनका 2058 जेठ में मृत्यु दंड के सजाए सुनौने सल। पीड़ित परिवार हिनकर मृत्यु दंड के सजाए माफी होब संबंध में बदला के कठोर भाव रखने बाद सऊदी के आंतरिक मंत्रालय मृत्यु दंड के फैसला कार्यान्वयन से हो कलक। स्थानीय अदालत पूर्णावेदन आ सर्वोच्च अदालत सऊदी नागरिक ओदा बिन अएदा बिन हमूद अल सरारी के हत्या दोषी ठहर करत संत बहादुर के मृत्यु दंड के फैसला सुनाव गल सल। जाए के बाद रॉयल कोर्ट समेत अनुमोदन केने बाद मृत्यु दंड के फैसला कार्यान्वयन भेल। 2054 साल में सऊदी अरेबिया में कृषि काज में पहुंचल संत बहादुर भेड़ा चढ़ाव गेल क्रम में हत्या के घटना के कारण मृत्यु दंड धर सजाई पेने सैन। भेड़ा चढ़ाव गेल इनका एक गोटे दैनिक आब को भेड़ा मांग लागल बाद कैल गेल विवाद के क्रम में चक्कू प्रहार से हत्या के घटना घटल सल। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल नेपाल के संविधान बमोजिम विभिन्न देश के लिए राजदूत नियुक्त केने सैन। राष्ट्रपति विभिन्न देश के लिए 6 आवासीय राजदूत तथा गैर आवासीय नेपाली राजदूत पद में नियुक्त केने राष्ट्रपति कार्यालय विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देलक। नवनियुक्त आवासीय राजदूत में मलेशिया के लिए दिल्ली राज पौडेल, ब्राजील के लिए निर्मल राज काफले, भरत कुमार रेग्मी ऑस्ट्रेलिया, मिलन राज तुलाधार रूसी महासंघ प्राध्यापक डॉक्टर राम स्वार्थ राय डेनमार्क आ सुशील कुमार लमसाल इजिप्ट रहल सैन। तहिना उल्लेखित राजदूत क्रमश पौडेल के वरुणाई, तारुल सलाम काफले के गणतंत्र चिली, रेग्मी के पूरे एशिया, तुलाधार के गणतंत्र कजाकिस्तान, राय के लिथुआनिया आ लमसाल के प्रजातांत्रिक जनगणतंत्र अल्जेरिया के लिए गैर आवासीय राजदूत के जिम्मेवारी देल गेल राष्ट्रपति कार्यालय जानकारी देलक। मध्य प्रदेश से बीतल 13 वर्ष में 10 लाख से बेसी युवा युवती सब विदेश पहुंचल सैन। एक तथ्यांक के अनुसार अ प्रदेश से बीतल 66-67 साल से 78-79 की अवधि में 10,39,754 गोटे युवा युवती विदेशी रोजगारी में गेल सैन। तथ्यांक के अनुसार बीतल 13 वर्ष के अवधि में सबसे बेसी धनुषा जिला से 2,16,122 गोटे विदेशी रोजगारी में पहुँचल। अहिना महतरी से 1,96,895, सिराहा से 1,78,235, सप्तरी से 1,27,148 आ सरलाही से 1,26,656 गोटे। तहिना रौतहट से 75,702, अहिना बारा से 63,133 आ सबसे कम पर्सा जिला से 45,863 गोटे युवा युवती विदेश में अपन पसीना बहा रहल सैन। चालू आर्थिक वर्ष के 10 महीना शाम से बैसाख धरि धनुषा से करीब 35,066 गोटे वैदेशिक रोजगारी में विभिन्न खाड़ी देश पहुँचल सैन। जाय अनुसार बीतल सावन महीना में 3,543 गोटे, भादो में 4,322 गोटे, असोज में 3,547 गोटे आ कार्तिक महीना में 3,548 गोटे। तहिना अगहन में 3,548, पूस में 3,638, माघ में 3,247, फागुन में 3,129 आ चैत्र महीना में 3,681 गोटे। तहिना बैसाख में 3,043 गोटे विदेश पहुँचल सैन। वैदेशिक रोजगारी में गेल नेपाली के संख्या बढ़ लगल पर रेमिट्रांस के प्रभाव घट रहा देखल गेल। अवधि में हुंडी लगात विदेश से पैसा पठाव गैर कानूनी माध्यम सक्रिय भेलाक साथे क्रिप्टोकरेंसी
हाइफर फंड में लगानी बढ़ल रेमिटेंस प्रभावित भेल जानकार सब बतौने से यद्यपि चालू आर्थिक वर्ष के मासिक रेमिटेंस के अवस्था संतोषजनक देखल गया बीतल साउन में 92 अरब 2 करोड़ भादो में 94 अरब 8 करोड़ असोज में 94 अरब कार्तिक में 97 अरब अगहन में 1 खरब 2 अरब 5 करोड़ पूस में 1 खरब 4 अरब 6 करोड़ अहिना माघ में 1 खरब 4 अरब 8 करोड़ आ फागुन में 1 खरब 4 अरब 4 करोड़ आ चैत्र में 1 खरब 9 अरब 1 करोड़ रुपया रेमिटांस वाफत नेपाल आयल तथ्यांग में उल्लेख सेहो कयल गेल अछि। नकली भूटानी शरणार्थी प्रकरण में नियंत्रण में रहल टोप बहादुर राय माझी बालकृष्ण खांग लगाय के थुनछेक बहस के लिए काठमांडू अदालत में उपस्थित कराओल गेल अछि। अय प्रकरण में नियंत्रण में रहल सबके बयान खत्म भेला के बाद थुनछेक बहस के लिए हिनका सबके रवि दिन काठमांडू अदालत में उपस्थित करायल गेल अछि। थुनछेक बहस के क्रम में दुनू पक्ष के बहस खत्म भेला के बाद अदालत पूर्व पक्ष में पठावा व धरोटी अथवा सामान्य तारीख में छोड़ संबंध में आदेश सेहो देत। जिला सरकारी वकील के कार्यालय काठमांडू नियंत्रण में रहल 18 सहित फरार रहल 30 गोटे के संगठित अपराध कृत्य ठगी तथा राज्य विरुद्ध के आरोप लगाकर मुद्दा चलबित 27 करोड़ 50 लाख बिगो मांग दावी सहित काठमांडू अदालत में मुद्दा दायर कयल गेल छल। विपद जोखिम न्यूनीकरण के तैयारी स्वरूप धनुषा में विपद से बचवाक लेल विपद पूर्व तैयारी तथा राहत वितरण संबंधी अभ्यास जनकपुर धाम के गंगा सागर में संपन्न भेल अछि। बाढ़ के दृष्टिकोण से निके जोखिम में रहल जिला के रूप में धनुषा जिला में कमला जमुनी बडहरी और जेहन नदी सब में वर्षेनी रूप में आयल बाढ़ से जनधन के क्षति समेत भेला से ऐसा होइत आयल जनधन के क्षति के न्यूनीकरण करवाक लेल पूर्व अभ्यास कयल गेल अछि। जनकपुर धाम के गंगा सागर के विभिन्न खोला तथा नदी क्षेत्र मानिक नेपाली सेना सशस्त्र प्रहरी तथा नेपाल प्रहरी नेपाल रेड क्रॉस के सहभागिता में पूर्व तैयारी स्वरूप अभ्यास कने छल। पूर्व अभ्यास में तीनों सुरक्षा अंग रबर बोट डोरी लाइफ जैकेट सहित के सामग्री सबके प्रयोग समेत कने छल। बाढ़ सहित अन्य प्रकार के विपद जन्य 230 घटना धनुषा में बीतल वर्ष भेल साथे अमे पड़ के 10 गोटे के मृत्यु समेत भेल छल। बाढ़ तथा विपदजन्य घटना के कारण जिला में 13 करोड़ से अधिक क्षति भेल धनुषा के प्रमुख जिला अधिकारी काशीराज दहाल जानकारी देने सहित 2019 साल को अहिले समय हेर्दाखेरि अब अहिले पानी परिसकेको छैन, वास्तवमा मनसून सुरु भएको छैन, त्यही भएर बाढी र कटान डुबान को समस्या अहिले हामीले भोग्नु परेको छैन। तर आगलागी का घटना इस यो वर्ष झने झने 230 आगलागी का घटना भाई अरे र 10 जना को मृत्यु भाग हमें कंप्लेन का प्राप्त भो नेपाल सरकार गृह मंत्रालय र विपद प्राधिकरण स्थानीय स्तर में स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति जिला स्तर में जिला विपद व्यवस्थापन समिति प्रदेश स्तर में प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति केन्द्र में सामान्य माननीय गृहमंत्रीजी र सामान्य प्रधान ओ विपद से बचाव तथा बचेबाक लेल सब प्रकार के तैयारी धनुषा में भ रहल जिक्र कलन। कार्यक्रम में जिला समन्वय समिति धनुषा के प्रमुख राज नंदन मंडल जल से हुए त्याल विपद से बचेबाक लेल धनुषा के हरेक युवा सब के खोला नदी तथा पोखर में हेल के लेल सीखनाय आवश्यक रहल जिक्र कने सलाह। तपाईको कमलाको अनि दक्षिणपति मुखिया सबैलाई अरु यो बाढीको जोखिमको ठाउँ हो। यसमा चाहिँ सेनाहरूको प्रमुख भूमिका हुन्छ, सशस्त्र प्रहरी सेना यीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आजकाल के छ, हिजो आज हामीहरूको परिवारमा घरभित्र नै त्यो बालबच्चालाई बाँधमा कलमा नहाउने अनि सारा बानीहरू हामी सिकाउँथ्यो। त्यो बालबच्चालाई त्यो पोखरीको नदीको कुन ठाउँमा अलिकता अनि पौडी खेल्ने जस्तो अभ्यास पनि सिकाउनु पर्छ। कुन अवस्थामा कहाँ के हुन्छ, हिजैको कुरा भयो, एउटा चाहिँ सिटी हिटीको गाडी तपाईँको
हाम्रो सब कोसीमा पहुँच्यो। त्यो ड्राइभर चाहिँ पौडी खेलेर सफल भयो अनि हाम्रो तिनजनाको अहिले पनि तपाईँको बेपत्ता नै हो। मलाई के लाग्छ उनीहरूलाई पौडी खेल्न जाने छैन होला त्यस्तो लाग्यो, अनि त्यस कारणले उहाँहरू यो जोखिममा पर्नुभयो होला। त्यस कारणले यो समाजमा हामीले बालबच्चाहरूलाई नजिकको पोखरीहरूमा अलिकता सिकाउने बानी पनि बसालौँ, अनि यो हामी सबैको कर्तव्य हुन जान्छ। त्यो भविष्यमा हाम्रो पनि राम्रो हुन्छ। अनि हामी अहिले चाहिँ जो जोखिमपूर्ण कुराहरू हुन्छ त्यसको लागि अभ्यास हुँदैछ। हामी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार शाह जल विपदके साथै आग लगी सँ धनुषामे बर्खा मात्रामे जनधनके क्षति भेला सँ हरेक पालिकाके बारुण यन्त्र खरिद करबाक साथै विपदके सामना कर किछ बजेट विनियोजन कर आग्रह कयलनि। धनुषाके महेन्द्रनगरमे रहल नेपाली सेनाके गणक प्रमुख सेनी सुरेश देवकोटा एहि बेर विपदजन्य अवस्थाके सामना करबाक लेल नदी तथा खोलाके स्थलगत अनुगमन कयल गेल जिक्र कयलथि। जनकपुरधामसँ चोरी भेल ट्रैक्टर प्रहरी खोजिकऽ धनीके जिम्मा लगौलक अछि। जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 11 रहल बिल्टू शाहके PR202001 2133 नम्बरके ट्रैक्टर जनकपुरधाम मिल्स एरियासँ बीतल शुक्र दिन चोरी कयल गेल छल। प्रहरी खोज तलाशकेने क्रममे जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका 14 रजौल स्थितसँ ट्रैक्टर भेटल। धनुषाके प्रहरी प्रवक्ता वेद प्रसाद गौतम जानकारी देने छनि। हिनकर अनुसार ट्रैक्टर तीन दिने कार्यालयमे आनिकऽ धनीके जिम्मा लगाएल गेल आ चोर सबके खोजी भऽ रहल जानकारी देने छनि। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणके विषयमे सत्तारूढ़ आकृति पक्ष बीच विभेद देखल गेल अछि। राष्ट्रपति असंवैधानिक तवरसँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण प्रतिपक्षी संसद बैसारे अवरोध कयलक अछि तँ सत्ता पक्ष दू बेर सदनमे छलफल भऽ कऽ राष्ट्रपति कार्यालयमे पहुँचल विधेयक प्रमाणीकरण स्वाभाविक रहल प्रतिक्रिया देलक अछि। एमाले प्रमुख सचेतक कदम गिरी नागरिकता जेहन संवेदनशील विषयमे संविधान विपरीत प्रमाणीकरण कयलासँ अहिके सच्याबऽ पड़त जिक्र कयलनि। रविदिन संसद भवनमे सञ्चारकर्मी सबसँग बातचीत करैत गिरी मन्त्री परिषदके पत्रके आधारमे विधेयक प्रमाणीकरण केने राष्ट्रपति जिक्र कयलोपर ई संविधान अनुसार नहि रहल जानकारी देलनि। ताजा जनादेश प्राप्त संसद आबि चुकलासँ एहि अवस्थामे ई विधेयकके दर्ता कऽ कऽ प्रतिक्रिया मार्फते आगाँ बढाबऽ पड़त एमालेके धारणा रहल हिनकर कहब छल। अहिना ओ नागरिकता विधेयकमे रहल विषय वस्तुमे सेहो एमालेके असहमति रहल उल्लेख कयलनि। विदेशी चेली नेपाली सङ्ग विवाह कऽ कऽ तत्काले नागरिकता देबऽ प्रावधान भविष्यमे बड़का असर पारत हिनकर कहब रहल छल। यो त्रुटिपूर्ण थियो भनेर सदनमा आएर उहाँले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले राखिराखेका छौँ। कन्टेन्टमा हामी हिजोदेखि नै हाम्रो असहमति छ। त्यो के छ भनेदेखि यस विषय बुझ्नुपर्ने कुरा, जुन नेपालले नेपालको चेली छ नि विदेशीसँग विवाह गर्यो भनेदेखि उसले 7 वर्षसम्म इन्डियामै विवाह गर्यो भने 7 वर्षसम्म चाहिँ उसले त्यो कुलिङ पिरियड छ, 7 वर्षसम्म उसले चाहिँ नायत्व प्राप्त गर्दैन। तर हामी विदेशी चेलीहरू नेपालमा अहिना नेपाली काङ्ग्रेसके नेता प्रदीप पौडेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणके प्रक्रियामे त्रुटि रहल जिक्र कयलनि। ओ एहिसँ पहिने राष्ट्रपति मन्त्री परिषद पठेने विधेयक प्रमाणीकरण केनाइ स्वाभाविक नहि रहलोपर ई विधेयकके अखन प्रक्रिया मिचकऽ प्रमाणीकरण कयल गेल जिक्र कयलनि। ओ नागरिकता विधेयक विषयवस्तुमे एमाले विरोध केनाइ कोनो अर्थे नहि अछि जिक्र कयने छथि। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदले चाहिँ नागरिकता विधेयकका बारेमा छलफल गर्न पाउनुपर्छ, आफ्ना विचारहरू राख्न पाउनुपर्छ। नयाँ राष्ट्रपति यो नयाँ संसदका प्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ, त्यसैले नयाँ संसदमा छलफल गरेर चाहिँ त्यसले टुङ्ग्याएको विषयलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि यो अध्याय एमहर माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा संसदमे दू बेर छलफल होइत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा कऽ कऽ प्रमाणीकरण मात्र बाँकी रहलमे अखन राष्ट्रपति प्रमाणीकरण केने जिक्र कयलनि। अखन ई विषयके लऽ कऽ सदनमे विरोध केनाइ जायज बात नहि भेल हिनकर कहब रहल छल। ओ प्रक्रियामे
प्रक्रिया सम्बन्धी सदनमै सबके बात राख अधिकार अयो मुदा प्रतिपक्षी सदनमै ऐके हंगामाके विषय मात्र बनाए रहल धारणा रखले थियो। आक्रमण गरेर आज भारतले नेपाललाई समाउ चाहिँ जसरी सिक्किम बनाउन भुटान बनाउन प्रयत्न गरिरहेछ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता चाहिँ संगठित रूपले त्यो हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ। ल भन्नु न अहिले भारतको नयाँ बनेको संसदमा पहिले नै हामीलाई सुस्ता खाएर काला पानी लिपुले खाएर तपाईँ चाहिँ त्यो फर्काउनु जहाँ कहाँ छ अहिले अझ छुट्टै नयाँ बनेको संसदमा तपाईँ चाहिँ अखण्ड भारत होइन। राष्ट्रिय जनमोर्चाके अध्यक्ष चित्रबहादुर केती अङ्कित स जन्मल वंशजके नागरिकता देव नै मिलत जिक्र कयलनि। भारत नेपालके सिक्किम आ भूटान पर्यटन कऽ रहल कहैत अइके विरोधमे जनताके आब ठाड होबय पड़त हिनकर कहब रहल सल। मात्रै संसद चल्दा चल्दै त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको भए अर्को कुरा हुन्थ्यो, तर अहिले त संसदमा दुई दुई पटक छलफल चलाएर यहाँका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा गएको त्यस बेला विविध कारणले तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु भएन। खालि प्रमाणीकरण गर्न बाँकी भएको कुरा गरेको न हो, राष्ट्रपति संस्था भनेको एउटा व्यक्ति होइन नि, त्यो त अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हो नि, किनभने व्यक्तिको आयो भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो, तर राष्ट्रपति कार्यालय भने त निरन्तर अविच्छिन्न चलिराख्ने उत्तराधिकारवाला चाहिँ संस्था हो। त्यसैले सरकारकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जेठ 17 गते नेपाल नागरिकता ऐन 2063 के संशोधन गर बोलल विधेयक प्रमाणीकरण केन्द्र सलाइथ। नागरिकता विधेयक खारिज गर माग रखैत नेपाल मजदुर किसान पार्टी काठमाडौँमै प्रदर्शन केलक। राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणीकरण कयल गेल नागरिकता विधेयक राष्ट्रघात रहलासँ अहिले खारेजके माग रखैत नेमकिपा रवि दिन काठमाडौँकै फुटेश्वरसँ लऽ कऽ नयाँ बानेश्वर धरि विरोध प्रदर्शन कयने छल। देशके हितमे नै भऽ कऽ विदेशी देशके खुसी बनाबै लेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कयल गेल नेमकिपाके आरोप सेहो रहल अछि। नेमकिपाके सांसद प्रेम सुवाल संसदके छोड़ि कऽ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति समक्ष विधेयक प्रमाणीकरणके लेल सिफारिश केने आरोप लगौलथि। एहिसँ पहिने सभामुख अग्निशाप कोटा पेश केने विधेयक राष्ट्रपति प्रमाणीकरण कर कहने कते आ जाल साजी रहल हिनकर कहब सन। ओ संसद आ संविधानके छोड़ि कऽ विदेशीके खुशी करबाक लेल आगाँ बढ़ायल गेल नागरिकता विधेयकके खारिज कर लेल जिक्र केने छथि। राष्ट्रपतिलाई विधेयक पेश गर्ने अधिकार भनेको संसदलाई मात्र छ, सभामुखलाई मात्र छ। यो अग्निशापकोटाले पेश गरेको सभा विधेयक हो। अग्निशापकोटा अहिले सभामुखमा हुनुहुन्न र अहिले सभामुख देवराज घिमिरे हुनुहुन्छ र यसरी यो विधेयक जुन अहिले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो र यो किर्ते र जालसाजी हो। त्यसकारण यो संसदलाई छलेर संविधानलाई छलेर यो जुन प्रमाणीकरण ओ नागरिकता विधेयकके कारण देश सिक्किमीकरण होब खतरा रहल जिक्र कयलनि। विरोध प्रदर्शनमे सहभागी सब राष्ट्रपतिके कदम फिर्ताले देशघाती प्रमाणीकरण खारिज कर लगायतके फ्लेगार्ड सहित नाराबाजी कयने छल। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालके समग्र हितके रक्षाके बाद संसदके गतिरोध अन्त्य होब जिक्र कयलनि। नागरिकता प्रमाणीकरण प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणके क्रममे देने अभिव्यक्ति लगायतके विषयमे संसद अवरोध भेलाक बाद अध्यक्ष ओली संसद भवन नयाँ बानेश्वरमे सञ्चारकर्मी सबसँग संक्षिप्त बातचित करैत यह जिक्र कयलनि। ओ राष्ट्रके रक्षा, संविधानके रक्षा, भूमिके रक्षा, अहिना राष्ट्रिय स्वाभिमानके रक्षा, नेपालके समग्र हितके रक्षा बाद सेटल हैत जिक्र कयलनि। अहिना प्रतिपक्षी दल सब विरोधके कारण संघीय संसदके दुटनु सदनके बैसार अवरुद्ध कयल गेल सर। टुडे समाचारमे आब आर्थिक सम्बन्धी समाचार। सोनके दाम एकै दिन 1700 रुपियाँसँ घटल अछि। नेपाल सोन चाँदी व्यवसायी महासङ्घके अनुसार बजेटके बाद निरन्तर बढल सोन आ चाँदीके दाम रवि दिन घटल अछि। आइ छापाबाद सोनके दाम 111,600 रुपियाँ आ तेजाद सोनके दाम 111,050 रुपियाँ निर्धारण कयल गेल अछि। अहिना शुक्र दिन सोन 113,300 रुपियाँमे कारोबार भेल छल। आइ चाँदीके दाम तोलाके
15 रुपया से घट के 14 से 15 रुपया में कारोबार भ रहा है। अना शुक्र दिन 14 से 35 रुपया में चांदी खरीद बिक्री व्यवसाय व्यस्त टूटे समाचार अखन के लिए एतबा कोनो दोसर समाचार लग उपस्थित हो बेटा करब तखन के लिए हम सपना विदा मांगे देखते रहिए टीवी टूटे जनकपुर नमस्कार।